अब मैं अपनी थल सेना के जाबाजों से बात करना चाहता हूं। आइए थल सेना के सब जवानों से बात करते हैं। जय हिंद सर। मैं ब्रिगेडियर अश्विनी नैयर, डिप्टी जीओसी 23 इन्फेंट्री डिव। हमारा कॉलम 10 ऑफिसर्स, 9 एसीओस, 97 ओआर। हम सुबह 4 बजे 11 अप्रैल को घटनास्थल पर पहुंचे। पहुंचते ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, एसपी साहब ने हमारे कॉलम को ब्रीफिंग दी कि इस समय 12 ट्रॉलीज में 48 नागरिक फंसे हुए हैं। हमने तुरंत उसी समय मेंटेनेंस ट्रॉली के जरिए सभी ट्रॉलीज की रेकी की। दूसरी रेकी सुबह होने के बाद 6:30 बजे की गई। फिर हमने सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ये प्लान बनाया कि जो पहली 4 ट्रॉलीज हैं उनकी हाइट लगभग 150 से 200 फीट थी। तो हमने ये प्लान बनाया कि इनको हम मैनुअल इंटरवेंशन से, हमारे कमांडोज और हमारे घातक, इनको हम वापस निकालेंगे। और बाकी जो 8 ट्रॉलीज हैं जो कि 600 से 2000 फीट की हाइट पर थी, उनको भारतीय वायुसेना उनको विंचिंग ऑपरेशन से निकालेगी। इसके लिए हमारे घातक जाबाज जो पाइलन था उसको 200 फीट ऊपर चढ़े और फिर रोपवे के साथ क्रॉल करते हुए ट्रॉली तक पहुंचे। ट्रॉली का दरवाजा खोला और लोगों से मिलके वहां से 200 फीट नीचे तक हमने रोपवे डाला और वहां से नागरिकों को कंट्रोल्ड रूप से बांध के स्लिदर कराया और इस तरह से 11 नागरिक पहली 4 ट्रॉली से निकाले। उसके साथ साथ मेडिकल टीम्स जो मेकशिफ्ट हेलीपैड पर थी उनके साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक शटल मिल सके। और सभी एजेंसीज ने, आईटीबीपी, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी ने मिलकर इसको एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जय हिंद सर।